दर्शक बंधु नमस्कार, भेडल प्लस डेडिकेटेड टू लाइफस्टॉक फार्मर्स यूट्यूब चैनल को आपण मानको स्वागत। कृत्रिम प्रजनन प्राणीपालन विभाग एक प्रमुख कार्यक्रम अटे। यह बहुत दिन प्रचलित हो आसुअ। मुख्यतः उन्नत जातिर षंड मान शुक्राणु को संग्रह कर देशी विदेशी जातिर गाई मान प्रजनन करिबार व्यवहृत होता है। यह द्वारा जड़े गोपाक चाषीटी बहुत उपकृत होता है, जपरी गाईटर दुग्ध उत्पादन बढ़ी थाए, निजर आवश्यकता अनुजाई उन्नत प्रजातिर बाछुरी मिलता है, सुस्थ निरोग बाछुरी मिलता है। यह द्वारा अजथार षंड पाड़ा किंवा गाई मान प्रजनन षंड पाखक नेवा आदि खर्च एवं परिश्रम कमी थाए। सरकार यह कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम पर अनेक पैसा खर्च कर प्रकृत गोपालक भाई भौनी मानंकु साज्य करुछि कि नाही, किपर यही योजना माध्यम से माने उपकृत होउछंती, आसंतु ए वीडियो माध्यम रे जानिबा। तेणु दर्शक बंधु आसंतु आ डरि न करि आज टॉपिक उपर को जिबा। आसंतु सेपरि जणे गोपालक बंधु किपर कृत्रिम प्रजनन माध्यम रे उपकृत होइछंती एवं एहा किपर तांकु जीवन धारण रे साहाज्य करुछि, निजर परिवार प्रतिपोषण करुछंती, तंको पचारी बुझिबा। मोना श्री जयराम नायक, पिता पागल नायक, साखी नारुआ, पोस्ट सिंदल, थाना पिराट, जिला भद्रक। मु 30 वर्ष हम देशी गाई रखी थी। विगत गोटे छुआ मोर है सनातन सारंग इंजेक्शन लु आज की 22 वर्ष हम से छुआ पाखरु वर्तमान मोर 16-20 गाई गोरु होती। मो पाखर वर्तमान 6 गाई अच्छा अवशिष्ट गाई अन्न अंडिया ये सब मुझे बिक्री कर वर्तमान हाराहारी मु 40 लिटर भली क्षीर आमदानी करुँ। मोर परिवार 9 जन मु गाई आउ किछटा चाष कर मो जीविका निर्वाह करुँ। तेणु 40 लिटर पर डे मु क्षीर इनकम कलापर मोर 1500-1600 टंका इनकम हो गाई को पीछे खर्च कलापर मो परिवार सुखर चलुच। आमर एठिका डॉक्टर जी अच्छे सनातन बाबू सी तांकर इंजेक्शन द्वारा युवाक सब सृष्टि जितेबाला डाकिले से आसिक पहुँचती गाई को इंजेक्शन दवा ठार भैक्सीन करवा पर्यंत फाटुआ रोग पर्यंत सबुति आमको सहायता कर प्राणी विभाग को मुझे धन्यवाद दौर जहाँकि मत एत बाट नहींपरि। अन्य जन गोपाक बंधु से भी किपर ये योजना उपकृत हो पार्टी आसतु तक पचारि बुझा। इंद्रमणि दास, ग्राम इंदिरा, सिंदोल पंचायत, थाना तिहड़ी, आउ डिस्ट्रिक्ट भद्रक। देशी गाई जिते थे सोटू आम जर्सी इंजेक्शन आसीगला जो सार मगे जर्सी इंजेक्शन देलु ताकतर सीबी तापर भेर जो इंजेक्शन आस इंजेक्शन गाई तैयारी होती सारे 5 लिटर कतुर बर्तमान 10 लिटर 12 लिटर पर्यंत क्षीर दे गाई आस्ते आस्ते बढ़ुची जमी इंजेक्शन आसूस गाई तैयारी हो गोटे गाई रू सारे मु मोर अनुभूति जा 8 लिटर क्षीर पाइले आम 2.5 किलो 3 किलो छेना आम काटमु। छेना दाम जदि आम ये 100 टंका रुए ता देहर घी भी आम 100-150 काढ़ी पारिमु। सारे 300-350 यार एवरेज आसुची डेली गाई गोटा सारे जदि सी 10 मास क्षीर दिखती सारे 100,000 टंका ऊपर आसुची गोटे भी आणले तार अंजात आमदानी सारे जी 50,000 खाई आउ 50,000 सार रही आज्ञा मुझे देशी रू जर्सी पाई सीबी जर्सी पाई सिंदरी पाई वर्तमान हलिस्टन तो आसुनी आउ यो गिरी आस गिरी जातिर साथ चली मार्केट सारे बेपारी धरिकी छेना बेपारी सब से छेना दि जाए आउ ता देर कि घी आम आमदानी करूँ से गुड़ाक गाँ गाँवे बिक्री करल। आज्ञा धन्यवाद तो देवी सरकार को आउ तापर आमर डक्टर ये जी मैंने आसान भी धन्यवाद देवी से परामर्श में आम एति बाट आगे पारिचु आदि बाकी सरकार आईपारता तांकर बासस्थान बा आउ किसी सुविधा जो गुड़ाक आसूँ आम जब पाई
ତାହେଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ବି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଆହୁରି ବି ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତୁ ଚାଷ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିକି ବି ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତେ, ଚାଷୀ ବି ଆହୁରି ଚାଷ କରନ୍ତେ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ଯୋଜନାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଗାଈ ଚାଷ ପାଇଁ, ଆଉ ସିଏ ଗାଈରୁ ଆମେ ବାଛୁରୀ ତିଆରି କରିକି ଭଲ ଭଲ ଗାଈ ବି ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିଲେ ତ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇନ୍ସେମିନେସନ୍ ଗୋପାଳକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା କିପରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫାର୍ମରେ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ସହ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଉକ୍ତ ଦୁଗ୍ଧକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଖାଇ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରହିବା ସହ ଦୁଗ୍ଧ ତଥା ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଘିଅ, ଦହି, ପନିର, ଛେନା ଆଦି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉନ୍ନତ ଜାତିର ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନକୁ ଆହୁରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପିତ ଶୁକ୍ରାଣୁର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋପାଳକମାନେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ମାଈ ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳକ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।